राजेंद्र प्रसाद ब्रजकिशोर बाबू मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार राजेंद्र प्रसाद ब्रजकिशोर बाबू मौलाना मजहरुल हक और दूसरे प्रसिद्ध वकील बिहार से आए हुए थे दे कन्फर्ड विद गांधी वट वुड दे डू

देयर वुड बी नोवरी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम क्यों सीनियर वकील ने कहा वे लोग तो उन्हें सलाह और सहायता देने के लिए आए थे अगर उन्हें जेल हो गई तो कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे सलाह दी जाए और वे घर चले जाएंगे वट अबाउट द इंजस्टिस टू द शेर क्रोपर्स गांधी डिमांडेड बटाईदारों के प्रति होने वाले अन्याय का क्या गांधी जी ने ऐसा पूछा द लॉयर्स विद ड्रू टू कंसल्ट राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपसोड ऑफ देयर कंसल्टेस दे थॉट अमंगस्ट दैमसेल्स दैट गांधी वॉज टोटली ए स्ट्रेंजर एंड येट ही वॉज प्रिपेयर

अपनी आपसी सलाह के लिए वकील अलग चले गए राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें आपसी विचार विमर्श के परिणाम के बारे में लिखा है उन लोगों ने आपस में विचार किया कि गांधी पूर्णतः एक अजनबी थे फिर भी वे किसानों के लिए जेल जाने को तैयार थे दूसरी ओर अगर वे लोग जो न केवल पड़ोसी जिलों के निवासी थे बल्कि उन किसानों की सेवा करने का दावा भी करते थे घर चले गए तो यह शर्मनाक भगोड़ापन होगा दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल हिम दे देवर्ड रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन ही एक्सक्लेम्ड इस प्रकार वे गांधी के पास वापस गए और कहा कि वे उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं चंपारण की लड़ाई जीत ली है वे उत्साह से बोले देन ही टूक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इन टू पेयर एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट रेस्ट फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और समूह को जोड़ों में बांट दिया और वह क्रम लिख दिया जिसके अनुसार हर जोड़े को गिरफ्तारी देनी थी सेवन डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इनफॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड केस टू बी ड्रॉप्ड सिविल disobedience हैड triumphed द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया कई दिन बाद गांधी जी को मजिस्ट्रेट से एक लिखित संदेश मिला कि राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुकदमे मुकदमे को खारिज करने की आज्ञा दी है आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की यह पहली जीत थी गांधी एंड द लॉयर गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसीज ऑफ द फार्मर्स गांधी और वकील अब दूर दूर के इलाकों से किसानों की शिकायतों के बारे में जांच पड़ताल करने लगे डिपोजिशंस बाय अबाउट टेन थाउजेंड पीजें वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड लगभग दस हजार किसानों के बयान लिखे गए और दूसरे परमाणु के बारे में नोट्स बनाए गए बयान इकट्ठे किए गए द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंड लॉर्ड सारा इलाका पड़ताल करने वालों के क्रियाकलापों और जमींदारों के तेज विद्रोह से धड़कने लगा In June, June May, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. Before he went, he met leading associates and again laid detailed plan for civil disobedience if he should not return. June May, गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने बुलाया अपने जाने से पहले वे अपने प्रमुख साथियों से, से, से मिले और फिर, अपने और फिर से अपने न लौटने की स्थिति में सभी ने अवज्ञा आंदोलन की विस्तृत योजना बनाई गांधी हैड फोर प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एंड ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इंटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी की चार लंबी मुलाकातें हुई जिनके परिणामस्वरूप उन्हें उसने नील बटाई दारों की स्थिति की जानकारी की जांच पड़ताल करने के लिए एक सरकारी कमीशन नियुक्त किया द कमीशन consisted ऑफ landlords, लॉस officials, and एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इस कमीशन में जमीदार, सरकारी अफसर और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी थे गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अन इंटरप्टेड पीरियड ऑफ सेवन मंथ्स एंड देन अगेन फॉर सेवरल शोर्टर विजिट्स चंपारण में पहली बार गांधी, गांधी जी लगातार सात महीनों तक रहे और फिर कई बार वहां की छोटी छोटी यात्राएं की कई छोटी छोटी यात्राएं की द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द दिटी इंटरिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ वह यात्रा जो एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर बड़े हल्के ढंग से इस आशा से की गई थी कि इसमें कुछ ही दिन लगेंगे इसमें कुछ ही दिन लगेंगे। गांधी के जीवन का लगभग एक वर्ष ले गई द ऑफिशियल इंक्वायरी एसेंबल क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड वेन दे दिस दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफर्स टू दीजें बट हाउ मच मस्ट बी पे गांधी सरकारी पड़ताल ने जमींदारों के विरुद्ध पहाड़ जैसे मजबूत प्रमाण इकट्ठे कर लिए और जब उन्होंने देखा तो वे सिद्धांत किसानों को धन वापिस देने को मान गए पर उन्होंने कहा कि हमें कितना देना होगा ऐसा उन्होंने गांधी जी से पूछा दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिस एक्सटोर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स उन्होंने सोचा था कि वे उस धन की पूरी वापसी मांगेंगे जो उन्होंने बटाईदारों और गैर कानूनी और बेईमानी से वसूला था ही आफ्टी परसेंट देयर ही सीम्ड एट बैंड राइट रिवेंड रिवरेंड जे जेड हॉन्ज a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range, thinking probably that he would not give away the representative of the planters offered to refund to the extent of 25% and to his amazement Mr. Gandhi to मिस्टर गांधी टूक हिम एट हिज वर्क दस ब्रेकिंग द उन्होंने केवल आधा ही मांगा इस पर वे अधिक दिखते थे चंपारण का एक ब्रिटिश मिशनरी जे जेड हॉच जिसने इस सारे घटनाक्रम को बड़ी नजदीकी से देखा था लिखता है यह सोचकर कि शायद वे अडिग रहेंगे जमींदारों के प्रतिनिधि ने ट्वेंटी फाइव परसेंट की सीमा तक लौटने का प्रस्ताव किया और उसे हैरानी हुई कि मिस्टर गांधी ने उसकी बात मान ली इस प्रकार गतिरोध दूर हो गया दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड This settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. This was स्वीकार कर लिया गांधी ने कहा कि रिफंड की रकम का महत्व कम है इस तथ्य की तुलना में जमींदारों को धन का एक भाग और उसी के साथ अपनी इज्जत का भाग लौटाना पड़ा देर फोर एज फार एज द पीजेंट वर कंसर्न एज हैोर्ड अबोव लो नाउ दीजेंट साड राइट एंड डिफेंडर्स ही लर्न करेज इस प्रकार जहाँ तक किसानों का सवाल था जमींदारों ने ऐसा व्यवहार किया मानो वे कानून के ऊपर कोई स्वामी हो अब किसानों को पता लगा कि उनके अधिकार और रक्षक भी के अधिकार हैं कि किसानों को पता लगा कि उनके अधिकार भी हैं और रक्षक भी उनमें साहस आया इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी पोजिशन विद इन अ फ्यू ईयर द ब्रिटिश प्लांटर्स एबेंडेंट देयर स्टेट्स विच रिवर्टि टू द पीजेंट इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड घटनाओं ने गांधी जी की बात को सही साबित किया कुछ ही सालों में अंग्रेज जमींदारों ने जमीनें छोड़ दी जो वापिस किसानों के पास आ गई नील की खेती की बटाई का, का काम समाप्त हो गया गांधी नेवर कंटेक्टेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। ही साथ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपर विलेजेज एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीजिएटली गांधी जी बड़े राजनीतिक एवं आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं थे उन्होंने चंपारण के गांव का सांस्कृतिक व सामाजिक पिछड़ापन देखा और वह इसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे के बारे में कुछ करना चाहते थे ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरी परिक नरहरी पारिख टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज डिसाइपल्स एंड देयर वाइफ्स वॉल्टियर फॉर द वर्क सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे puna and other distant parts of the land devdas gandhi's youngest son arrived from the ashram and so did mr gandhi primary schools were opened in six villages उन्होंने अध्यापकों से प्रार्थना की महादेव देसाई और नरहरि पारिक दो नौजवान जो अभी गांधी जी के शिष्य के रूप में जुड़े थे और उनकी पत्नियों ने स्वेच्छा से काम हाथ में ले लिया कुछ और लोग बम्बई और पुणे और दूसरी जगहों से आए थे देवदास गांधी का सबसे छोटा लड़का आश्रम से और ऐसे कस्तूरबाई टोट द आश्रम रूल ऑन पर्सनल क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन देवदास गांधी जी का सबसे छोटा लड़का आश्रम से और ऐसे ही श्रीमती गांधी भी आई छह गांव के प्राथमिक छह गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई कस्तूरबा ने व्यक्तिगत स्पाई और सामुदायिक सामुदायिक स्पाई के आश्रम के नियम पढ़ाए कस्तूरबा जी ने व्यक्तिगत स्पाई और सामुदायिक स्पाई के आश्रम के नियम पढ़ाए हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल स्वास्थ्य की स्थिति बुरी थी गांधी गोड ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर सिक्स मंथ गांधी जी ने एक डॉक्टर की सेवाएं छह महीने तक ली थ्री मेडिसिन वार अवेलेबल कास्टर ऑयल क्वीनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट एनीबडी हु coated tongue was given a dose of castor oil anybody with malaria fever received quinine plus castor oil castor oil anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil three उपलब्ध थी कैस्टर ऑयल कुनीन और गंधक की मलहम जिस किसी भी जिस किसी की भी जीभ परत से ढकी होती थी उसे कैस्टर ऑयल की एक खुराक दी जाती थी मलेरिया बुखार से पीड़ित व्यक्ति को कैस्टर और कुनीन मिलती थी फोड़े फुंसी वाले किसी भी व्यक्ति को मलहम और कैस्टर ऑयल मिलता था गांधी नोटिस फिल्थी स्टेट ऑफ वेमन क्लोथ गांधी ने औरतों के कपड़ों की गंदी हालात पर ध्यान दिया। गंदे हालात पर ध्यान दिया ही कस्तूरबाई टू टॉक टू दैम अबाउट एट वन वोमन टुक कस्तूरबाई इन टू हर हट एंड सैड लुक देर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स

कपड़े रखे जा सके मैंने जो साड़ी पहनी है वही एक साड़ी मेरे पास है ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी कैप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाई मेल एंड आक्स फॉर फिनेशियल अकाउंट वंस ही रो टू रेजिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ऑल्ड लेटरिन ट्रेंचीज एंड डिग न्यू वंस अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड चंपारण में अपने लंबे निवास के दौरान गांधी आश्रम पर दूर से नजर रखे हुए थे वे डाक से लगातार हिदायतें भेजते रहते थे और वित्तीय हिसाब पूछते पूछते थे एक बार उन्होंने निवासियों को लिखा कि पखाने के पुराने गड्ढों को भरने और नए गड्ढे खोदने का समय आ गया है वरना पुराने गड्ढे बदबू देना शुरू कर देंगे द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ वट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नोट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री चंपारण का घटनाक्रम गांधी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड था जो कुछ मैंने किया उन्होंने समझाया बड़ी साधारण बात थी मैंने यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश मुझे अपने ही देश में आदेश नहीं दे सकते थे बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस इट ग्रू आउट ऑफ एन अटैप टू एलिवियट दुअर परंतु चंपारण की शुरुआत अवज्ञा के कार्य से नहीं हुई इसकी शुरुआत अनेकों अनेक गरीब किसानों की परेशानी दुख दूर करने के प्रयत्न से हुई दुख दूर करने के प्रयत्न से हुई दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न ही पोलिटिक्स वर इंटर इंटर ट्विंट विद प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्रिक्शंस इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग यह विशेष गांधीवादी तरीका था उनकी राजनीति व्यवहारित व्यवहारिकता से जुड़ी हुई थी लाखों लोगों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के साथ उनकी निष्ठा विचारों के प्रति नहीं थी यह निष्ठा जीते जागते मानवों परति के प्रति थी उनकी निष्ठा विचारों के प्रति नहीं थी यह निष्ठा जीते जागते मानवों के प्रति थी इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर एवर मोर ओवर ही ट्राइ टू मूल अ न्यू फ्री इंडियन हु कूड स्टैंड ऑन हिज ऑन फिट एंड दस मेक इंडिया फ्री जो कुछ गांधी ने किया उसमें उसने एक स्वतंत्र भारतीय को आकार देने की कोशिश की जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था और इस प्रकार भारत को स्वतंत्र करा सकता था अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रियर्स एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डिवोटिड फॉलोअर ऑफ द महात्मा केम टू बिट गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स चंपारण आंदोलन के शुरुआत शुरुआती दौर में चार्ल्स फरीरर एंड्रयू जो एक अंग्रेज शांतिवादी था जो महात्मा का अनुयायी बन गया था फिजी टापू पर अपनी ड्यूटी की यात्रा पर जाने से पहले गांधी को अलविदा कहने आया। गांधी जी को अलविदा कहने आया था गांधी गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थोट It वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प दूज वॉज विलिंग इफ गांधी अग्रीड गांधी जी के वकील दोस्त सोचते थे कि एंड्रयूज का चंपारण में रहकर उनकी सहायता करने का विचार अच्छा था यदि गांधी जी सहमत होते तो एंड्रयूज तैयार था ही सैड You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart. The cause is just, and you must rely upon yourselves to win the battle. You should not seek a prop in मिस्टर एंड्रयूज़, बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन परंतु गांधी जी ने एकदम विरोध किया उन्होंने कहा आप सोचते हैं कि इस असमान लड़ाई में हमारी एक तरफ एक अंग्रेज का होना सहायक होगा यह आपके दिल की कमजोरी को दिखाता है यह उद्देश्य न्याय संगत है और इस लड़ाई को जीतने में आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए आपको मिस्टर एंड्रयूज़ के रूप में एक आश्रय नहीं ढूंढना चाहिए क्योंकि वह एक अंग्रेज है ही हैड रीड आवर माइंड करेक्टली राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स एंड वी हैड नो रिप्लाई। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस सेल्फ रिलायंस इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। वह हमारे मन को ठीक तरीके से पढ़ चुका था राजेंद्र प्रसाद कहते हैं और हमारे पास कोई जवाब नहीं था गांधी जी ने इस तरह से हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता और साझी खेती करने वालों की सहायता सभी एक साथ बंधे हुए थे सभी एक साथ बंधे हुए थे